दोस्तों, आज आपको देवता महु नाग देवता जी के दर्शन करवा रहे हैं। ये देवता महु नाग देवता जी का मंदिर हमारे अर्की मंडल में कांगरी धार के बिल्कुल साथ परिहाब नामक स्थान पे देवता जी विराजमान रहते हैं, देव महु नाग देवता जी। तो आज इन देवता जी के आपको पावन दर्शन हम कराने जा रहे हैं। तो लीजिए, देवता जी के दर्शन करें। तो आइए दोस्तों, हम आज आपको दर्शन कराते हैं देवता माहुनाग जी के। ये स्थान जो है परिहाब नामक स्थान कांगरी धार से 4 किलोमीटर की दूरी में है, जहाँ माहुनाग देवता जी मोहरे के रूप में देवता जी के दर्शन होते हैं। और माहुनाग देवता जी जो है यहाँ पे बकारी कोठी जो उनका मूल स्थान है, वहाँ से देवता जी के बिल्कुल दर्शन होते हैं और बिल्कुल सामने वो स्थान है। तो देव महुनाग जी का ये बड़ा पुराना स्थान है। आसपास के सभी श्रद्धालु लोग देवता जी के पावन अवसरों पे दर्शन करते हैं। ये देवता जी के यहाँ पे गुर जो हैं, वो महुनाग देवता जी के गुर यहाँ पे स्थानीय इसी गांव के रहने वाले हैं, और देवता जी के जो सेवा में रहते हैं। तो उनसे हम इस बारे में, देवता जी के बारे में और उनके स्थान के बारे में कुछ हमने चर्चा की और थोड़ी जानकारी हासिल की। कौन कौन से देवता जी के स्थान है जी? देवता रोहन महुनाग, देवता सुनो, कौन से? रोहन रोहन देवता, जल देवता, जल देवता, रक्षिता, रक्षिता, हत्या देवी, हत्या देवी। हाँ जी, देवी का मंदिर अच्छा जी, आज हम शानु है। मशानु देवता, हाँ जी, ठीक है। ये देवता जो है, ये जो साथ वाले देवता है नीचे, ये कौन से? ये यहाँ रक्षिता है, रोहन है, अच्छा, जल, रक्षिता हाँ देवता और रोहन देवता, ये दो देवताओं के स्थान तीन तीन हैं। देवते माँ पे, और तीसरा देवता कौन है जी? रोड रक्षा दो जल तीन। जल तीन, हाँ जी, ठीक है। ये देवता जी के साथ चलते महुनाग इसी देवता के जी माँ के, नाग के द्वारपाल है। द्वारपाल है, हाँ जी, ठीक है जी। और देवता यहाँ पे, देवता महुनाग जी का ही मंदिर है, सिर्फ यहाँ पे महुनाग देवता जी विराजमान होते हैं, माँ नाग यहाँ सिर्फ महुनाग देवता जी जी, हैं, ठीक है जी। और ये यहाँ पे जो स्थान है बना हुआ, इसकी मान्यता क्या है? कैसे बना था, देवता जी कैसे आए थे यहाँ पे, कोई क्या ये बोलते हैं कभी पुरानी? सतयुग में आए हुए हैं। हाँ अच्छा, जी, हाँ जी, अपने आप प्रकट हुए थे, अपने ठीक आप पर है यहाँ जी। जमीन में मिले थे, नीचे इनका मेरा आया था, अच्छा बकारी जी, कोठी से। हाँ बखारी कोठी से जी, अपने अपने आप आया था या किसी ने आप लाया था? नहीं, खुद आया। और खुद आया था, ठीक है, ठीक है। देवता जी के श्रद्धालु लोग यहाँ पे बड़ी दूर दूर से आते हैं, सबकी मनोकामनाएं इच्छाएं देवता जी पूरी करते हैं। और ये महुनाग देवता जी का स्थान, बखारी कोठी से देवता जी इस स्थान पे आए थे। और ये देवता जी के दो तीन मंदिर जो है, और देवता जी की यहाँ पे देवता रक्षेटा जी जिनको बोलते हैं, जल देवता, रोहन देवता जो है, इन देवताओं के जो स्थान है यहाँ पे महुनाग देवता मंदिर के पास, तीन देवताओं के जो स्थान है, आपको शश्वत नमन है देवता महाराज। और ये रोहन देवता जी को प्रणाम, जल देवता और देवता रक्षेटा जी को प्रणाम है। और ये इन देवताओं के स्थान जो है, देव महुनाग देवता जी के द्वारपाल के रूप में इनको पूजा जाता है। और इसके अलावा देवता जी के साथ, देवता जी की हत्या का, देवी का जो मंदिर है वह देवता मशानु देवता का जो मंदिर है यहाँ पे, इसके साथ ही विराजमान है ये मंदिर जो है। यहाँ देवी का मंदिर करके पूजते हैं, तो देवी का मंदिर पूजते हैं यहाँ की। और साथ के साथ यहाँ पे देवता जी की जो रक्षिता देवता, मशानु देवता जो है, इनका स्थान जो है यहाँ पे विराजमान है। तो ये बहुत ही भव्य नज़ारा देवता महुनाग देवता जी के पास है। और ये अर्की से थोड़ा सा ही दूर, कोई अर्की दाला घाट से करीब करीब ये कोई 20 किलोमीटर के दूरी पे होगा, और कांगरी धार देव बाडूवाड़ा देवता जी के साथ बिल्कुल विराजमान है। एक तरफ देव बाडूवाड़े जी की धार है और साथ के साथ महुनाग देवता जी जो बखारी कोठी से इस स्थान पे स्वयं प्रकट हुए थे। तो ये देवता जी का स्थान, और इस जगह से करसोग जो, जहाँ देवता जी की बखारी कोठी है, वो उसका भी भव्य नज़ारा देखने को मिलता है। और बिल्कुल सामने करसोग की पहाड़ियाँ हैं, हरसंग देवता जी का स्थान बिल्कुल सामने है, और अनन्य देवी देवताओं के दर्शन जो है इस स्थान से होते हैं। और Thank you.